भोजपुरी के जाने माने खेसारी लाल यादव पटना में शूटिंग के दौरान अयांश की मां पहुंची खेसारी लाल से मिलने के लिए और मदद के लिए गुहार लगाई। आप देख रहे हैं खेसारी लाल और अयांश की मां शूटिंग से। भाई आप इसको लिए तो आपको फील हो रहा है कि 10 महीने अयांश को ले लिया है और मदद के लिए पब्लिक से गुहार कर रहा है। आप लोग सुनिए क्या बोल रहा है, आपको हम आगे दिखा रहे हैं। और कुछ मीडिया वाले हैं जो अयांश को मदद को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका पिता अगर गलती किया है तो उनको पिता का सजा मिल रहा है। पिता सरेंडर अपने आप कर चुके हैं, लेकिन बच्चे को आप लोग देखिए, जिसके पास बच्चा नहीं होगा उसी को महसूस नहीं होगा कैसे बच्चे पाले जाते हैं। एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं बता सकता है। तो इस बच्चे के लिए मेरे तरफ से जो हो रहा है मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ऐसी नीति मेरी जितनी भी टीम है, जितने मेरे संपर्क हैं, जितने भी मुझे लोग जानते हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे से जितना हो सकता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरे संपर्क में हैं। सर इतने सारे गलत अफवाह फैल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस चीज़ का गलत अफवाह? जो भी जो लोग हैं फ्रॉड आगे भी करेंगे, इसके बारे में आपको लोगों से क्या कहना है? देखिए, लोगों की बातों को आप अगर लेकर चलिएगा तो शायद जीवन में आप एक पल नहीं जी पाइए। इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं। अगर देखिए दारू की दुकान है तो दूध की भी डेयरी खुली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी निगेटिव है। धरती पर क्या लगता है कि लोगों का कहना है सर कि इससे बीमारी नहीं है, आप इसको छुए पकड़े गोदी में लिए तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए एक बात बताएं, आप दुनिया के पहली ऐसी माँ नहीं है और अगर कि आप अपने बेटे के लिए झूठ बोलेंगे। इस धरती पे कोई ऐसी माँ नहीं है जो बेटे के लिए झूठ बोलेगी। उसके पति से भी ज्यादा प्यारा उसका बेटा होता है, उसका औलाद होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया जो बोल रही है वो सही है, बिल्कुल गलत है। और दुनिया नहीं बोल रही है, दुनिया तो आपकी मदद ही कर रही है। कुछ लोग आए तो उनके बातों को आप ध्यान मत दीजिए। जिसको इस बच्चे से मोहब्बत होगी, जिसका अपना औलाद होगा, वो इस बच्चे के लिए जरूर करेगा। आपको लगता है कि इस अफवाह को छोड़कर लोगों को बच्चे को बचाने में लगना चाहिए? इस दुनिया में एक बात बताएं आपसे, अफवाह किसके लिए नहीं होती है? जी जी, कुछ लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी। रिपोर्ट है, बच्चे का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। सर इसमें लिखा हुआ है कि इस बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। ये सर निमहांस बेंगलोर का रिपोर्ट है। इसमें सर लिखा हुआ है कि ये बच्चा 9 महीने का है और इसे ऐसे में टाइप 1 नाम का बीमारी है। अभी कितना दिन अभी है सर? बस 2 महीने से भी कम समय है सर। लेकिन भैया अब जो मुहिम है वो धीमी हो गई है, जिस तरीके से लोग हैं वो कई तरीके का अफवाह फैलाए हैं, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? देखिए ज्यादा तो नहीं बोलता मैं, किसी के लिए नहीं बोल सकता कौन क्या बोलता है। जी जी, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि एक माँ तो झूठ नहीं बोल सकती, मुझे जहाँ तक लगता है। और ये बच्चा मेरे गोद में है, मैं महसूस कर सकता हूँ। जी हाँ, बहुत ही लोग, इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ। मैं अपने सोशल मीडिया पे भी इस बच्चे के लिए बहुत कुछ बोल चुका हूँ। जी जी, इस परिवार के लिए भी बोल चुका हूँ। इससे पहले भी भैया कई लोग के लिए मदद करते हैं, आपको जो कि मददगार मेरे से जितना हो सकता है इस बच्चे के लिए आखिरी सांस तक मैं भी लड़ूंगा। मैंने ये भी बोला है कि मेरे जितने कंपनी मालिक हैं कम से कम 30 से 40 लोग हैं। आप मेरे जो भी गाने रिलीज करते हैं सर, आपका जितना भी आपको बोले, आपके जो फैंस हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए वो मेरे फैन नहीं, मेरे गार्जियन हैं। मैं अपने सारे गार्जियनों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के लिए आपकी जो सहायता हो सकती है, आपसे करोड़ों नहीं मांगा जा रहा है। आपके पास 5 रुपया है, 5 लाख है, 500 है, 5 हज़ार है, जो बनता है इस बच्चे के जीवन के लिए। अगर हम सब मिलकर इस बच्चे का जीवन बचा लिए तो एक माँ का ममता बच जाएगा, एक माँ का विश्वास बच जाएगा, एक ईश्वर की बनाई हुई जो चीज़ इस बच्चे को मिली है, क्योंकि वो दुनिया में हम तो बनाए नहीं हैं, ईश्वर का देन ही है। जी जी। तो हम सबका परीक्षा का घड़ी है, इस बच्चे का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा की घड़ी है इस बच्चे के लिए। मैम क्या आपको अब उम्मीद हो गया कि खेसारी लाल यादव जी आगे आ गए हैं, बच्चे का जान बच जाएगा? जी सर बिल्कुल, भैया के गोद में अयांश है, इसका मतलब कि भैया को लोग पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये सुपर हीरो हैं पूरे भारत के, पूरे बिहार के। तो अगर अयांश इनके पास आ गया है तो मतलब अयांश जरूर बचेगा। जी खेसारी लाल यादव जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि बच्चे को लेकर जो 2-4 मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, लगातार निगेटिव खबर चला रहे हैं, इससे अयांश का जो मुहिम था 35 लाख दे लिया था, अभी 50 हज़ार भी आना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ बोलिए कि इन यूट्यूबर वाले को सबक मिले और ये अयांश को लेकर निगेटिविटी नहीं फैले। सर वो लोग कह रहे हैं कि इसे बीमारी है।
देखिए बहुत ज्यादा निगेटिविटी है यहाँ तक कि मैं ये शूट मेरे एक गाने और थे, मैं घर पे ही आने वाला था क्योंकि मैं बोला था कि मैं घर पे आऊंगा, मैं परसों बोला था लेकिन मेरे कुछ अर्जेंट काम थे तो मैं अपने घर चला गया था। आपका शूटिंग भी हो रहा था ना? और शूटिंग भी हो रहा था तो ये गाना खत्म करके मैं घर पे ही आता इनके। सोशल मीडिया वाले के लिए कुछ बोले जो अफवाह फैला रहे हैं? देखिए मैं क्या बोला आपसे कि हमारे कहने का मतलब कि एक माँ का विश्वास और एक माँ का ममता तो झूठ नहीं बोल सकता है। दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, कोई अच्छा भी बोलेगा कोई बुरा भी बोलेगा, उसके बातों में ना आकर एक अच्छे बताइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है, आपका 100 रुपया इस बच्चे का जान बचा सकता है, 100 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन करोड़ों लोग अगर 100-100 रुपया, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ अगर 40 करोड़ जनता अगर 100 रुपया देगी तो शायद एक बच्चे की जीवन बच। बिहार में भैया अगर बात करें तो 13 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, अगर हर कोई 1.5 रुपया भी दे तो बहुत जल्दी है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आपके लिए 100 रुपया भी इस बच्चे का जीवन के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं 130-140 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं। और हरिलाल की टीम अभी किस तरह से काम कर रही है? अभी कर रही है, ऐसा नहीं है, इनके घर पे भी मैंने लोगों को भेजा था पहले, अभी भी मैंने जितने भी कंपनी मालिक हैं जिनको मैं गाना दे रहा हूँ, मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि आपके पास जो सहयोग हो, आपको लगता है कि खिसारी के गाने का जो पेमेंट होता है इस बच्चे के लिए अगर इसकी जान बचा सकती है तो मेरे लिए एक सीजन कोई बड़ी चीज नहीं है। मान लिया जाए कि आप डोनेट करेंगे? बिल्कुल मैं कर। खेसारी लाल आगे आ गए हैं और बोले हैं कि आयांस को जितना हो सके उतना मदद देंगे और मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, जो भी गाना का पैसा आएगा मैं आयांस को मदद करूंगा। तो आप सभी से अनुरोध है आयांस को मदद करिए, अफवाह पे मत जाइए और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग अपने मुहिम को चलाते रहिए। इस बच्चे के लिए आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितने भी मीडिया कर्मी के लोग हैं मैं सबसे सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने तरीके से इस बच्चे को मेरे लिए, अगर मेरे बोलने से इस बच्चे की जीवन बच रही है, मेरे करने से बच रही है, तो मैं 110% इस बच्चे और इस फैमिली के साथ हूँ।